खाली होते शिवजी महाराज की जय। शिवजी महाराज की जय। शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो। सामने रुको, इधर देखो। दादा आज आपल्या इकडे ठाकूरपाड्यामध्ये शिवजयंतीच्या साजरण करतात, काय बोलणार आहे? आज शिवजयंती आहे, त्या निमित्ताने आम्ही शिवरायांचं चांगलं चांगलं स्वागत करतो। जैसे आज इधर ठाकुरपाड़ा में शिवसेना को लेकर एक नई पार्टी जागरूक हो रही है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता है शिवसेना के, उनको शिवाजी महाराज के क्या सब बताया जाएगा, उनके संविधान में कैसा चला जाए, वो शिवाजी महाराज ने जो लोगों के लिए काम किया, ना हिंदू ना मुस्लिम सभी धर्मों को लेकर उन्होंने साथ में चला, तो उनका पैगाम क्या दोगे ठाकुरपाड़ा वालों को? शिवाजी महाराज ने ऐसा कहा है कि सबको लेकर, शिवाजी महाराज ऐसे थे हिंदू मुस्लिम सब एक ही है और एक ही उनको मानते हैं। जैसे कि ठाकुरपाड़ा में आप लोगों ने शिवसेना का ऑफिस ओपन किया है, कार्य शिवसेना के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे, इस पे क्या बताना चाहेंगे? शिवसेना के ऑफिस यहाँ ओपन हुई है, जैसे हम लोग ने ओपन किया है, तो हम लोग शिवसेना दिखावा नहीं करना चाहती है, न्यूज में आके दूसरों की तरह बोल के हम दिखावा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, यहाँ पर लोगों की जो तकलीफ है उन लोगों की तकलीफ समझ के हम वो काम करेंगे, उनको वो चीज की खुशी पहुंचाएंगे कि हम ऑफिस खोले तो ना दिखावे के लिए खोले हैं, ना ही किसी का हम लोग को बोलबाला चाहिए, हम काम करेंगे, यहाँ का विकास करके दिखाएंगे। और ठाकुरपाड़ा वालों से सभी से मेरी अपील है कि जिसको जो भी तकलीफ है हमारी ऑफिस पे आए, हमको बताए, और हम 110% उनकी तकलीफ को सॉल्व करके उनको अच्छा सा खुश करके ही देंगे। जैसे कि ठाकुरपाड़ा में काफी समस्या है, अब तक ठाकुरपाड़ा में क्या क्या समस्या है और आपने क्या समस्या का काम किया है? हम लोग ने अभी जैसे कि हमारे यहाँ है अमजद भाई है और शिवराम भाई है और सुधीर भाई है, सुंदर भाई है, और हमारी आशा ताई है, जैसे इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे एक नाले का वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम था, वहाँ पे लाइट लगाया, और अमजद भाई है सब लोग ने मिलके कचरे की गाड़ी का करवाया, क्योंकि यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं थी, बहुत तकलीफ थी, तो यहाँ पे उन्होंने कचरों की गाड़ी का भी किया है। अभी हम लोग और विकास करेंगे सब चीजों में, जो और तकलीफ है, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग अभी मिलके नाले वाले का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग ये सब मिलके सॉल्व करेंगे, हम शिवसेना वाले सब मिलके ये चीज यहाँ को ठाकुरपाड़े वालों को करेंगे।
जैसे कि अभी आप लोगों का ठाकुरपाड़ा में एक उप शाखा प्रमुख है, तो जैसा कि ठाकुरपाड़ा में सेना को लेकर एक मसला था कि सेना कुछ काम नहीं करती है, एनसीबी काम करती है, उस पर आप लोगों ने क्या किया है अभी तक? देखो अभी तक तो मतलब अभी तो ऑफिस ओपनिंग हुई है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत करना था हमने किए, और अब क्या करते हैं वो देखो आप लोग, फिर उसके बाद सवाल करो, क्योंकि अभी तो जस्ट खड़े हुए हैं, तो करेंगे तो बताएंगे, अभी करे नहीं है तो बता नहीं सकते हैं, और जैसे चालू होगा काम हम वो भी बताएंगे, जैसे गटर का हुआ, रोड का हुआ, क्योंकि यहाँ पर पानी भरता है, उसकी तकलीफ है, गाड़ी अंदर नहीं आती है, बहुत सारी तकलीफ है, तो अभी हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारे महाराष्ट्र के सरजमी से आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे, जो हिजाब को लेकर भी काफी मसला चल रहा था, तो हिजाब पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैंने आज शाके में हिजाब पर आपको देखा, इसलिए इस मुद्दे को रखना चाह रहा हूँ कि हिजाब को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो हिजाब है, पगड़ी है, साफा है, वो सारी अपनी एक वो है, समझे, हमने पैदा हुए जो चीज लेके चले हैं वो अभी तक लेके चल रहे हैं, और हिजाब ऐसा कि हमारा पर्दा है, कुछ लोग इसमें भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो अपनी सबकी वो है, जरूरी नहीं है कि हम किसी के ऊपर दावा कर सकते हैं, जो लोग करना है करे, जो लोग नहीं करना चाहते नहीं करे, लेकिन ये जो है ये पर्दा है, जैसे गुजराती लोग घूंघट ओढ़ते हैं, है ना, अपने मराठी भाई लोग में भी बहुत सारे उनके वो है, तो ये राजनीति मत करो मेहरबानी करके, इस पे क्या बोलते हैं, ये अपना अपना सबका वो है, उसको मत वो, मतलब हिजाब है, घूंघट है, पर्दे पहन सकते अमजद भाई। यहाँ पर अपोजिशन ने आप पर खास करके आप पर काफी आरोप लगाया है कि सिर्फ यहाँ पर शाखा ओपन करने से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी एक बार मैंने आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना काम करती है, विकास का काम करती है, वो बोलती नहीं है, काम करके देती है, बहुत सी समस्या लाइट के, पानी के, रास्ते के, पानी का भी समस्या कुछ ही सालों में ये भी समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी भी पिंपरी तक आ गया है, दहसर तक पानी आ गया है, पानी की भी सुविधा इधर पे होने वाली लोगों को। ऐसा कुछ नहीं कि शिवसेना काम नहीं करती, बोलने वाले बोलने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं विकास का काम करने के लिए हमेशा आगे हूँ और आगे ही रहने वाला हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जय महाराष्ट्र, सभी देशवासियों को शिव जयंती की तहे दिल से मेरी तरफ से देशवासियों को, ठाकुरपाड़ा की जनता को तहे दिल से शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, मैं ठाकुरपाड़ा महिला आघाड़ी शाखा प्रमुख हूँ। आज शिव जयंती के मौके पर सभी ठाकुरपाड़े वालों को, सभी को, और हमारे जितने भी शिव सैनिक है सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और जय हिंद जय महाराष्ट्र।